हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ गई एक न्यू वीडियो। सो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरे स्टेशनरी कलेक्शन। ओके, सो अभी मैंने सोचा कि मैंने एक न्यू वीडियो बनाए, तो हाँ मैं लेके आई हूँ अपना बहुत बड़ा स्टेशनरी का कलेक्शन। कुछ स्टेशनरी पहले मेरे वीडियो में देख चुके हो, पर अब मैं कुछ न्यू स्टेशनरी परचेस करके लाई हूँ। कुछ ही और सब है, आपने शायद नहीं देखी होंगी, पर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पूरा स्टेशनरी कलेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो पहला मैं स्टार्ट करूंगी इससे। ये है मेरा न्यू यूनिकॉर्न केस। वाओ, सो क्यूट। मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ मेरा फेवरेट यूनिकॉर्न केस। मेरा यूनिकॉर्न पेंसिल केस, पिंक कलर, क्यूटी। ओके, एक्चुअली मैं जरूरी नहीं कि इसमें स्टेशनरी रखूं, कुछ भी रखूंगी मैं इसके अंदर, बट अच्छा है, हम लोग अधिकतर स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें और भी था, ब्लू कलर का और पर्पल, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। अब नेक्स्ट है फ्लेयर ऑयल पेस्टल। ये मेरा फेवरेट है, अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं किया, मैं करूंगी। पॉकेट डायरीज, फ्लेयर की नहीं, लुक कार्ड की, ब्लू हाइलाइटर, और एक्चुअली मैंने दो परचेस किए हैं 15 रुपीज के, ट्राइंगुलर कलर पेंसिल्स स्कूडल की। मुझे ना मिनी और छोटी चीजें ज्यादा पसंद है, बड़ी चीजें ज्यादा। स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन, इससे ब्लैक स्केच पेन का पैकेट है जो मुझे आउटलाइन के लिए बहुत जरूरत पड़ता है। अब वैक्स क्रेयॉन्स, ये 10 शेड्स का, बट इसके अंदर पिंक है और ना इसके अंदर गलती से दो ऑरेंज, इसके अंदर रेड कलर नहीं है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मेरा क्यूट सा आइसक्रीम हाइलाइटर, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और पॉलिश हाइलाइटर, ये एकदम रियल लग रहा है। ये भी कलर अप का एक ऑयल पेस्टल है। वेट, हाँ ओके, सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा न्यू, ये मैंने बहुत दिन से रखा है, एक्चुअली मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, बट मैं कल खोलने वाली हूँ। यूनिकॉर्न का स्टेशनरी सेट बहुत ही क्यूट है। हाँ, ये नॉर्मल डॉल्स का क्रेयॉन है, बट ये है ग्लिटर क्रेयॉन्स कोरस का। एक्चुअली मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया, अभी तक कोई स्टेशन में ओपन नहीं है, मैं जो अभी तक नहीं चाहिए थी मैं ओपन करने वाली हूँ। ऑल इन वन पेन, ये मेरा फेवरेट है, और छोटा सा पर्स है, और इसके अंदर ये इसमें मैंने दो कलर के डाले, एक बियर का 2-in-1 शार्पनर एंड इरेजर। इसके तो पिंक भी है, बट वो भी बहुत मुश्किल से अंदर गया है, दैट्स व्हाई। कूल। ओके, सो हम लोग अभी कुछ मैं आपको बहुत न्यू दिखा रहा था, तो दिखाऊं बेटा मैं। ओके, सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेल्स का पेंटिंग गेट। ओपन करें,
ओपन करके दिखाऊंगी अभी नहीं। ये है रेनबा। एक्चुअली मैंने फर्स्ट कल से परचेज किया था। ये है स्टिकर बाजार का बाबी का स्टेशनरी सेट, जैसे डोम्स का होता है वैसे। अक्षरा का फ्रोजन वाला, ये है डिज्नी प्रिंसेस का स्टेशनरी सेट, डोम्स लॉकेट। रोटी खाएगी क्या? रोटी कब खाएगी? अभी नहीं जाओ। हाँ तो अभी स्केल, ये अलग अलग टाइप की स्केल है एक्चुअली। ये मतलब इसमें एक और है मेरे पास, ये मेरी सब स्केल्स हैं डिजाइन वाली। इसमें बाल्बी सबसे ज्यादा है। ओके एंड देन ये मेरी पेंसिल्स है सब। और इरेजर का तो कलेक्शन देखा ही है, बट ये कुछ न्यू इरेजर है। और न्यू कंपास भी दिखाती हूँ। ये मेरे न्यू कंपास, ये मैंने लिया है बारहवीं का न्यू कंपास। इसके ये ऊपर से इसके अंदर, ये एक्चुअली चेन वाला है, ये ऊपर भी खुलता है और नीचे भी खुलता है। और इसके अंदर ना एक्चुअली ये एक पहले से स्केल आई थी, बहुत प्रिटी सी डिज्नी प्रिंसेस की। और ये पेंसिल भी आई थी, और इसके ऊपर ये बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड और मार्कर्स बोर्ड का। और इसके नीचे टाइम टेबल का वो भी है, क्या कहते हैं हम लोग, मतलब टाइम टेबल बोर्ड भी है। आपको दिखाती हूँ, ये देखो। Thank you.